नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास प्लस टू का पहला लेसन, जिसका नाम है मुख्य कार्यपालिका चीफ एग्जीक्यूटिव, जो आपके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं HBSC के, हरियाणा बोर्ड के। और 3 मार्च का जो आपका पेपर है प्लस टू क्लास का, पबेड का, लोक प्रशासन का, तो वहाँ से जो इस लेसन से मुख्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और पूरी उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ से आपको बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं पर्सन आपको मिलेगा, और आपको यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद बेहतर रिजल्ट मिलेगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो आइए पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो पहला है आपका सरकार। जो सरकार है, ये सरकार क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट राज्य का आवश्यक तत्व होता है। राज्य का क्या होता है, ये आवश्यक तत्व होता है, आवश्यक तत्व जो गवर्नमेंट है आपकी, और यह राज्य का कार्यवाहक यंत्र भी होता है। राज्य का कार्यवाहक यंत्र अगर आपसे पूछे तो कौन होता है, ये होता है आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार। तो जो राज्य की इच्छा को निर्धारित व कार्यान्वित करता है, सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो आपकी गवर्नमेंट है उसके बिना जो आपका स्टेट है, जो राज्य है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार है जो राज्य का मूर्त रूप है। सरकार क्या होती है, जो आपका स्टेट है, राज्य है, राज्य का मूर्त रूप होती है। राज्य का मूर्त रूप आपकी सरकार होती है, और सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। जो सरकार है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राज्य की आत्मा। जो आपकी गवर्नमेंट है इसको क्या कहा जाता है, राज्य की आत्मा कहा जाता है। और जो आपका सरकार है, सरकार राज्य का वह यंत्र है जिस पर राज्य को कानून बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा इनकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी होती है। जो आपकी गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, तो यह वह यंत्र है जिस पर राज्य को, यानी कि जो आपका स्टेट है, इसको कानून बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा इनकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी होती है। तो आप समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, राज्य का आवश्यक तत्व होता है, राज्य का कार्यवाहक यंत्र होता है, और राज्य का मूर्त रूप होता है, और राज्य की आत्मा होती है आपकी गवर्नमेंट। और ये जो सरकार है, ये वह यंत्र है जो स्टेट को, मतलब क्या देता है, पावर देता है कानून बनाने की और उन्हें कार्यान्वित करने की। तो जो आपके सरकार हैं, ये जो सरकार है आपकी, इसके 3 अंग होते हैं, 3 अंग। और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में बनता है, तो अब की बार भी यहाँ से पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, पहला है आपका विधान पालिका। पहला जो अंग है आपका विधान पालिका है, विधान पालिका। और दूसरा है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा है आपका न्यायपालिका, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका। तो यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछता है आपसे, तो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा रहेगा, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहेगा कार्यपालिका। और जो कार्यपालिका है ये क्या करती है, विधान पालिका द्वारा जो कानून है, कानून निर्मित कानूनों को लागू करती है। जो कानून है, कानून निर्मित करने की शक्ति किसके पास है, निर्मित करने की शक्ति कानून को किसके पास है, विधान पालिका यानी कि आपकी जो संसद है उसके पास है। और इनको लागू करने की शक्ति किसके पास है, कार्यपालिका यानी कि जो निर्मित कानून है उनको लागू करने की शक्ति किसके पास है, आपकी कार्यपालिका के पास है लागू करने की शक्ति। और जो आपके न्याय से संबंधित मामले हैं, जो आपके जुडिशरी हैं, न्यायपालिका, इसके अधीन चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वास्तव में यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का प्रशासन तंत्र या लोक प्रशासन घूमता है। तो जो आपकी कार्यपालिका है, इसके चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द क्या होता है भाई, इसके इर्द गिर्द राज्य का प्रशासन तंत्र या लोक प्रशासन, जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये घूमता है।
और इस प्रकार लोक प्रशासन में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल है। अगर लोक प्रशासन में देखा जाए तो कौन प्ले करता है, वो आपकी कार्यपालिका प्ले करती है। और इसको पीवट यानी कि धुरी भी माना जाता है। किसकी? लोक प्रशासन की धुरी भी माना जाता है। किसको? कार्यपालिका को। तो यहाँ पे जो आपको लेसन दिखाई दे रहा है मुख्य कार्यपालिका, तो इस अध्याय में हम कार्यपालिका एवं मुख्य कार्यपालिका से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुख्य कार्यपालिका जो लोक प्रशासन का पहला लेसन है, वहाँ पे क्या है? सरकार है। सरकार राज्य का आवश्यक तत्व होता है। राज्य का कार्यवाह के अंतर भी यही है और सरकार को ही राज्य का मूर्त रूप माना जाता है। राज्य की आत्मा इसको कहा गया है। और सरकार के आपके तीन अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है ये कानून को निर्मित करती है, जैसे आपका संसद है। और जो विधानपालिका द्वारा निर्मित कानून है उनको लागू करने का अधिकार किसके पास है? वो है आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका के पास। और जो न्याय से संबंधित मामले हैं वो किसके पास हैं? ये आपके न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशरी सिस्टम है। और जो कार्यपालिका है वो क्या करती है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसको लोक प्रशासन की क्या माना जाता है? धुरी माना जाता है। और लोक प्रशासन का जो राज्य का प्रशासन है, ठीक है, राज्य का प्रशासन किसके चारों तरफ घूमता है? आपकी जो कार्यपालिका है उसके चारों तरफ घूमता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो लोक प्रशासन में कार्यपालिका की अहम भूमिका होती है। और कार्यपालिका के मुखिया को मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। जो कार्यपालिका है इसका जो मुखिया होता है, सर्वोच्च शिखर पे जो बैठा होता है, उसी को आपको क्या बोलते हो? उसी को मुख्य कार्यपालिका। इस मुखिया को क्या कहा जाता है? मुख्य कार्यपालिका कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट है आपका। तो जो मुख्य कार्यपालिका लेसन है आपका पहला, तो इसके जो वस्तुनिष्ठ पर्सन बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कानून लागू करने वाला सरकार का अंग क्या कहलाता है? तो अभी आपने पीछे पढ़ा, जो कानून लागू करता है, कानून लागू करने वाला सरकार का अंग, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका कार्यपालिका। जो संसद है आपकी, जो विधानपालिका है, जो विधायिका है, उसके द्वारा निर्मित जो कानून है उनको लागू करने वाला सरकार का अंग क्या कहलाएगा? कार्यपालिका कहलाएगा। भारत में शासन प्रणाली का कौन सा रूप है? अगर देखा जाए भारत है जो आपका इंडिया है, यहाँ पे भारत में शासन प्रणाली का रूप अगर पूछ ले आपसे, शासन प्रणाली का जो रूप है वो कैसा है? वो है आपका कैसा है भाई? वो है आपका संसदीय, यानी कि संसद को सर्वोपरि माना गया है। तो संसदीय रूप है आपके भारत में शासन प्रणाली का। आगे है आपका, स्विट्जरलैंड में शक्ति के केंद्र के आधार पर कार्यपालिका का कौन सा रूप है? जो आपका स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ पे अगर कार्यपालिका का स्वरूप पूछा जाए, तो कार्यपालिका का जो स्वरूप है यहाँ पे कैसी कार्यपालिका है? यहाँ पे बहुल कार्यपालिका है। आगे जो मुख्य कार्यपालिका हैं आपके, उनके जो टाइप हैं, एकल है, बहुल है, नामात्र है, वास्तविक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, तटस्थ है, स्थायी है, तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का रूप पूछता है तो कौन सा है? बहुल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पे मुख्य कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो यहाँ पे एक संघीय परिषद होती है, तो इस संघीय परिषद में इसकी शक्ति निहित होती है। स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे मुख्य कार्यपालिका की जो शक्ति है वो संघीय परिषद में निहित होती है। अमेरिका की शासन प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन है? अगर अमेरिका में पूछ ले आपसे अमेरिका में मुख्य कार्यपालिका कौन है, तो अमेरिका में कौन रहेगा भी? ये रहेगा आपका राष्ट्रपति। कौन रहेगा अमेरिका में मुख्य कार्यपालिका? तो राष्ट्रपति रहेगा। और भारत में मुख्य कार्यपालक कौन होता है? तो भारत में भी आपका कौन होता है मुख्य कार्यपालक? तो आपका राष्ट्रपति रहेगा भारत में मुख्य कार्यपालक। राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? अगर राज्य स्तर पर स्टेट की तरफ से पूछ लिया जाए राज्य स्तर पर अगर मुख्य कार्यपालक आपसे पूछता है
मुख्य कार्यपालक, तो कौन रहेगा भी आपका, वो रहेगा मुख्य मंत्री। कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। और जो स्थायी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, जो आपका एग्ज़ाम दे के जो नौकरशाही है पद पे बैठते हैं, तो जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नौकरशाही। नौकरशाही जो आपकी स्थायी कार्यपालिका है, जो पेपर को पास करके किसी पद ओहदे को नौकरी को प्राप्त करते हैं, तो इसको बोलते हैं नौकरशाही। कानून निर्मित करने वाले सरकार के अंग को, यहाँ पे आपने जैसे पढ़ा था, जो कानून है उसको लागू करने वाला सरकार का अंग आपका कार्यपालिका रहेगा। और कानून को निर्मित करने वाला, जो कानून है उसको निर्मित करने वाला अंग कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका विधान पालिका। विधान पालिका, तो ऐसे घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो कानून को निर्मित करती है वो विधान पालिका, और जो कानून लागू करने वाला सरकार का अंग है वो है आपका कार्यपालिका। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? जो आपका अमेरिका है, यहाँ पे आपकी जो मुख्य कार्यपालिका है राष्ट्रपति, और यहाँ पे जो शासन प्रणाली होती है, जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली का कौन सा स्वरूप पाया जाता है? यहाँ पे शासन प्रणाली पाई जाती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यहाँ पे आपको मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है आपका किसको स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है? अस्थायी। अगर आपसे अस्थायी कार्यपालिका का एग्जाम्पल पूछ लेता है, अस्थायी जो कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका, तो इसका एग्जाम्पल है आपका राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, यह आपकी क्या है? राजनीतिक जो कार्यपालिका है आपकी अस्थायी कार्यपालिका है। और नेक्स्ट है आपका भारतीय शासन प्रणाली में वास्तविक मुख्य कार्यपालक कौन होता है? तो भारतीय शासन प्रणाली में अगर आपका देखा जाए, वैसे तो जो मुख्य कार्यपालक है इंडिया में वो कौन है आपका? राष्ट्रपति है। बट नाममात्र की अगर कार्यपालिका आपसे पूछता है, नाममात्र की कार्यपालिका, कार्यपालिका अगर भारत में पूछता है, तो कौन रहेगा आपका? वो रहेगा आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका है, भारत की वास्तविक कार्यपालिका अगर आपसे पूछता है, तो वो कौन रहेगा? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री, यानी कि सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। और इसको वास्तविक कार्यपालिका की संज्ञा भी दी गई है। पीएम आपके कौन है? श्री राव नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो नेक्स्ट है आपका अध्यादेश जारी करना किसका कार्य है? जो अध्यादेश है वो कौन जारी करता है भी? अध्यादेश आपका जारी करता है मुख्य कार्यपालक। जो अध्यादेश है, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का काम, अध्यादेश जारी कौन करता है? जारी करता है भी आपका कार्यपालक। कार्यपालक है वो आपका क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका अगर आपसे पूछता है सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के जो अंग है पीछे पढ़ा है हमने, तो सरकार के अंग होते हैं भी तीन। सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। और जापान में खालिस्तान कार्यपालिका है, अगर आपसे पूछे तो जापान में कौन सी कार्यपालिका है भी? जापान में पैतृक कार्यपालिका है। कौन सी कार्यपालिका है? पैतृक कार्यपालिका है जापान में। कौन सी कार्यपालिका है? सरकार के तीन अंग होते हैं और जापान में कौन सी कार्यपालिका है? तो पैतृक कार्यपालिका है। अगर आपसे क्या पूछता है, अगर आपसे मुख्य कार्यपालिका की परिभाषा पूछता है, तो यहाँ पे मैंने अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के शब्दों में जो परिभाषा है कार्यपालिका की, उन्होंने जो कार्यपालिका की परिभाषा दी है मुख्य कार्यपालक की, तो इस उनको लिखा है, तो उनके डेफिनेशन को लिखा है। तो अगर पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछता है, तो आपने यही उठा के लिख देना है। तो जो कार्यपालिका है, अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के शब्दों में, कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में भाग लेती है। यानी कि कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार का जो संगठन है, जो विभाग की सबसे बड़ी इकाई होती है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण को या क्रियान्वयन में भाग लेने का काम करती है। और यह इनके लिए सामान्य मार्ग भी निश्चित करती है। जो कार्यपालिका है, दोबारा से देख लीजिए, जो अल्फ्रेड डी ग्रेजिया है उसके शब्दों में, कार्यपालिका क्या है?
कार्यपालिका वह है जो किसी भी प्रकार के संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों के निर्धारण व क्रियान्वयन में भाग लेती है। यह इनके लिए सामान्य मार्ग भी निश्चित करती है। तो ये परिभाषा रहेगी आपकी मुख्य कार्यपालिका की। कार्यपालिका की अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो आपने इसको लिख देना है। अब क्या है, कार्यपालिका के जो टाइप हैं आपके, कार्यपालिका के जो प्रकार हैं आपके, उनके बारे में हम देखते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपने क्या लिखना है, तो जो पहला प्रकार है वो है आपका वास्तविक कार्यपालक। वास्तविक कार्यपालक, जो वास्तविक कार्यपालक है तो इसको लिख देना है ऐसे अंडरलाइन करके, इसकी एक्सप्लेन करने के लिए अंडरलाइन करके आगे लिखना है आपने। वास्तविक कार्यपालिका वह है जो वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। भारत में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल, भारत में क्या है, भारत में आपका प्रधानमंत्री पीएम, और जो आपका मंत्रिमंडल है मंत्रिमंडल, और अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है। जो आपका अमेरिका है, अमेरिका वहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है, ये क्या है आपका वास्तविक कार्यपालक है। तो आप लिख सकते हो वास्तविक कार्यपालिका वह है जो वास्तविक रूप में कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। भारत में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल, और अमेरिका में राष्ट्रपति क्या है आपकी वास्तविक कार्यपालिका है। तो आपसे अगर वास्तविक कार्यपालिका के बारे में पूछे तो आपने लिखना है ऐसे। सेकंड है आपका नामांतर कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालक। अगर नामांतर कार्यपालक अगर आपसे पूछता है तो क्या रहेगा आपका, आपने अंडरलाइन करके लिखना है। जो आपका नामांतर का कार्यपालक है वो है आपका राष्ट्रपति। कौन रहेगा नामांतर का जो कार्यपालक है, वो आपका राष्ट्रपति रहेगा। तो यहाँ नामांतर कार्यपालक में आपने लिखना है, नामांतर का मुख्य कार्यपालक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके मात्र नाम पर ही प्रशासन चलाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की सारी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित हैं, तो वह इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह से करता है। अर्थात राष्ट्रपति नाममात्र का मुख्य कार्यपालक है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है। तो नाममात्र क्या है, वो सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो आपका जो राष्ट्रपति है इंडिया का, प्रेसिडेंट है भारत का, तो वो क्या है आपका नाममात्र का कार्यपालक रहेगा। अगर आपसे नाममात्र का पूछे या वास्तविक कार्यपालक पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका थर्ड मनोनीत कार्यपालक। थर्ड है आपका मनोनीत कार्यपालक। अगर आपसे मनोनीत कार्यपालक के बारे में पूछता है तो आपने क्या लिखना है, मनोनीत कार्यपालक में क्या होता है, जब राज्याध्यक्ष किसी उच्च राज्याध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए, जो राज्य का अध्यक्ष है, यहाँ पे कहता है कि भाई जो राज्य का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष किसी उच्च अध्यक्ष के द्वारा, उच्च राज्य के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाए, मनोनीत किया जाए, तो क्या होता है उसे मनोनीत कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत में राज्यों के राज्यपाल, तो इसका उदाहरण रहेगा भारत में राज्यों के राज्यपाल। भारत में राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो क्या है आपकी मनोनीत कार्यपालक हैं, या फिर मनोनीत कार्यपालिका है। तो यहाँ पे आपने वास्तविक कार्यपालक के बारे में पढ़ा, यहाँ पे आपने नाममात्र कार्यपालक के बारे में पढ़ा, और मनोनीत कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट है आपका तो राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अगर आपको पूछे तो आपने लिखना है, राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहा जाता है जो कुछ समय के लिए चुनाव तथा अन्य साधन द्वारा नियुक्त की जाती है। जो किसके द्वारा, चुनाव व अन्य साधन के द्वारा, अन्य साधन के द्वारा नियुक्त की जाती है, अन्य साधन के द्वारा नियुक्त की जाती है, तो वो आपकी क्या रहेगी, राजनीतिक कार्यपालिका रहेगी। नेक्स्ट है आपका स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका आपका रहेगा, आपने स्थायी कार्यपालिका के बारे में लिखना है। स्थायी कार्यपालिका कुछ शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपका शैक्षणिक है और जो आपकी क्या है तकनीकी योग्यताएं हैं, तकनीकी योग्यताएं
और यहाँ पे क्या है उसके आधार पर एक लंबी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें नौकरशाही तथा अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, यानी कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही और जो आपके क्या हैं जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो इसका एग्जाम्पल रहेगा सरकारी कर्मचारी। तो यहाँ पे क्या है, स्थायी कार्यपालिका आपका कुछ शैक्षणिक अथवा तकनीकी योग्यता के आधार पर एक लंबी अवधि के लिए नियुक्त की जाती है और इसमें नौकरशाही तथा अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं। तो आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका एकल कार्यपालिका और एक है आपका बहुल कार्यपालिका, जो आपने पढ़ा था स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे संघीय परिषद में उसकी शक्तियाँ निहित होती हैं, तो बहुल कार्यपालिका है। अगर आपसे क्या पूछता है, एकल कार्यपालिका के बारे में पूछता है, तो यदि कार्यकारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान की जाएं तो वह एकल कार्यपालिका होती हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या है आपकी एकल कार्यपालिका है, सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। और जो बहुल कार्यपालिका है, जिसमें शक्तियाँ कुछ व्यक्तियों के समूह अथवा समिति को प्रदान की जाएं, उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड और रूस में बहुल कार्यपालिका है, जो आपका स्विट्ज़रलैंड और जो आपका रूस है, रूस वहाँ पे क्या होती है, बहुल कार्यपालिका होती है। शक्तियाँ क्या होती हैं, कुछ समूह व्यक्तियों के समूह के पास होती हैं या फिर समिति को प्रदान की जाती है, और यहाँ पे शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं। तो नेक्स्ट है आपका एकल कार्यपालिका, हमने पढ़ा, बहुल पढ़ा, स्थायी पढ़ा, राजनीतिक पढ़ा, मनोनीत पढ़ा, वास्तविक पढ़ा और आपका राजनीतिक पढ़ा, और जो आपका नाममात्र का था वो हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, संसदीय कार्यपालक। नेक्स्ट है आपका संसदीय कार्यपालक। वीडियो है, लंबी ज़रूर बनेगी, बट यहाँ से आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आता है तो वो नहीं छूटेगा। तो संसदीय कार्यपालक है, यदि किसी देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो उस देश में संसद ही कानूनों का निर्माण करती है। जहाँ पे इस क्या करते हैं, संसद को सर्वोपरि माना गया है और संसद क्या करती है, कानूनों का निर्माण। तो वहाँ पे कौन सा कार्यपालिका होती है, तो वहाँ पे आपकी संसदीय कार्यपालिका होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, संसद में जिस राजनीतिक दल को निम्न सदन कौन सा है आपका, भारत में लोकसभा तथा इंग्लैंड में कॉमन सदन है, तो उसमें बहुमत प्राप्त होता है, वह सरकार बनाता है। सरकार का एक अंग जिसे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, मुख्य कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो यह है आपका संसदीय कार्यपालक। तो आपका ये क्या रहेगा, संसदीय कार्यपालक रहेगा। नेक्स्ट है आपका पैतृक कार्यपालिका और आपका इससे आगे रहेगा निर्वाचित। इससे आगे क्या रहेगा आपका, निर्वाचित कार्यपालिका। तो यहाँ पे अगर आपसे पैतृक कार्यपालिका के बारे में पूछता है, तो इस प्रकार के मुख्य कार्यपालक का अर्थ है कि उसका चुनाव कैसे होता है, अर्थात उसका जन्म होता है या उसे जनता चुनती है। यदि किसी व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक का पद उत्तराधिकार में मिला है तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसे हम पैतृक कार्यपालक कहेंगे, मुख्य कार्यपालक कहेंगे। जैसे इंग्लैंड की महारानी व जापान का राजा, तो इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी इसका एग्जाम्पल रहेगा, और जो आपका जापान का राजा है, ये एग्जाम्पल रहेगा। यानी कि इनको जो पद हैं कैसे मिले हैं, उत्तराधिकार में मिले हैं, और जिसको पद उत्तराधिकार में, शक्तियाँ उत्तराधिकार में मिली हो, तो वहाँ पे कौन सी कार्यपालिका होती है, तो आपकी वहाँ पे होती है पैतृक कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका क्या होती है, यदि मुख्य कार्यपालक का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया गया हो तो वह निर्वाचित मुख्य कार्यपालक कहलाएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के राष्ट्रपति, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, और जो आपका क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो उस वहाँ का राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित, यानी कि चुनाव और मतदान के द्वारा इनका क्या होता है, निर्माण होता है मतदान के द्वारा। तो ये क्या होगा आपका, ये निर्वाचित कार्यपालिका होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, तो
नेक्स्ट है आपका तानाशाह कार्यपालिका और संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। जो आपका तानाशाह है, यदि किसी देश में सैनिक या शारीरिक बल पर मुख्य कार्यपालिका का पद प्राप्त किया हो, यदि किसी देश ने क्या किया हो, सैनिक या शारीरिक बल पे पद प्राप्त किया हो, सैनिक या शारीरिक बल द्वारा क्या किया हो, पद प्राप्त किया हो, तो उसे तानाशाह मुख्य कार्यपालक कहते हैं। उसका विकास एवं पतन शक्ति पर ही निर्भर होता है, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। हिटलर, मुसोलिनी, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये इसके कुछ गिने चुने जो तानाशाह कार्यपालिका है उसके उदाहरण हैं। संवैधानिक मुख्य कार्यपालक केवल संवैधानिक तरीकों से ही पद पे पहुँचता है, यानी कि जो संवैधानिक तरीकों से पद पे पहुंचता है, संवैधानिक तरीके होते हैं पद पे पहुंचने के, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका संवैधानिक मुख्य कार्यपालिका। तो संविधान ही उसकी शक्तियों का आधार होता है। प्राय प्रजातांत्रिक देशों में संवैधानिक मुख्य कार्यपालिकों के उदाहरण मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मुख्य कार्यपालिका के प्रकार थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपसे कोई एक पूछता है तो आपने एक को ही एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपने सभी को एक्सप्लेन करना है लिख के, और उनके एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट है आपका जो कार्य होते हैं मुख्य कार्यपालक के कार्य। अगर आपसे पूछता है मुख्य कार्यपालक के कार्य अगर आपसे पूछे, तो वो रहेंगे आपका मुख्य कार्यपालक के कार्य। अगर आपसे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों के बारे में पूछता है, तो पहला आपका रहेगा प्रशासकीय नीति का निर्धारण व निर्माण करवाना, विधान पालिका द्वारा पास किए गए बिलों पर हस्ताक्षर करना, प्रशासनिक प्रचालनों का परीक्षण व नियंत्रण करना, जांच पड़ताल करना उनकी, अध्यादेश जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, नेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना, मॉरलिटी को इंक्रीज़ करना, बजट पास करवाना, युद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करना, सरकार के कार्यक्रमों को स्वीकृति दिलाना। तो ये क्या रहेगा, मुख्य कार्यपालक के कार्य रहेगा। तो अगर आपसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों के बारे में अगर पूछता है तो आपने इन कार्यों को लिख देना है। तो मुख्य कार्यपालिक के ये कार्य रहेंगे। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कौरव। जो पोस्ट कौरव है ये आपका लूथर गुलिक, लोक प्रशासन के प्रसिद्ध जो विद्वान है लूथर गुलिक ने उनके इन कार्यों मुख्य कार्यपालक के कार्यों को एक ही शब्द में समझाने का प्रयास किया है। वह शब्द है आपका पोस्ट कौरव। ये इंग्लिश के 7 वर्डों से मिलके बना है, और दिया किसने है, लूथर गुलिक ने दिया है। पी से आपका प्लानिंग रहेगा, योजनाएं बनाना, ऑर्गेनाइजेशन आपका संगठन करना, स्टाफिंग आपका कर्मचारियों की नियुक्ति करना रहेगा, डायरेक्टिंग आपका निर्देश करना रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग आपका समन्वय करना रहेगा, रिपोर्टिंग आपका रिपोर्ट तैयार करना रहेगा, बजटिंग आपका बजट तैयार करना रहेगा। तो पोस्ट कॉर्प का फार्मूला है। तो मार्शल ई डिमार्क ने उनके सभी कार्यों को एक वाक्य में प्रस्तुत करते हैं, वह संकटों का शिकारी, निरीक्षक और भविष्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपने ऐसे ही लिख देना है पोस्ट कॉर्प को। अगर आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपने क्या करना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। जैसे आपका क्या है, योजनाएं बनाना है, तो आपने यहाँ पे प्लानिंग लिख के, और यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना है नियोजन वगैरह। तो लक्ष्य निर्धारित करना विधान पालिका का कार्य है, परंतु केवल लक्ष्य निर्धारित करने से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। प्रशासकीय सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों की दिशा निर्धारित हो और नियोजन हो। तो ऐसे आपने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।